आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जहाँ पर महिलाएं कतराती हैं बाहर काम करने के लिए, वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाएं जो है वो पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर जो है वो सामने आ रही हैं। आज हम यहाँ से गुजर रहे थे ज़िला कठुआ से, और आपको बता दूं कि कठुआ शहर के ड्रीमलैंड पार्क में एक महिला है जो कि अपनी बात करूँगा ये जो भुट्टा जिसको बोलते हैं इसकी जो है वो यहाँ पर रेड़ी लगाती हैं और अपना जो है वो घर परिवार चला रही हैं। तो इनसे जानते हैं कि कितनी मुश्किलात होती हैं, कितने बजे सुबह उठती हैं और किस तरह से अपना काम जो है वो पूरे दिन में करती हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? कंचन सिंह। कितने बजे सुबह उठते हैं और कितना मुश्किल जो ये काम है? हम 4 बजे उठते हैं। तो उसके बाद ये सामान लेने के लिए कहाँ जाते हैं? सामान मंगाते हैं किसी से, पठानकोट से। उसके बाद फिर खाना पीना रेडी करके बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फिर यहाँ के लिए तैयार होते हैं, घर का काम ख़त्म करके फिर रात भी इधर से फिर जाते हैं। तो घर में कितनी मुश्किलात होती है? घर में भी आप काम करते होंगे, उसके बाद खाना बनाना कितनी मुश्किल होती है? हाँ, तो मुश्किल तो होती है, फिर अब थोड़ा अपने लिए तो करना ही पड़ता है। अगर नहीं कुछ करोगे तो फिर क्या, घर बैठे थोड़ी गुजारा है। घर में कितने लोग हैं आपके? कुल हम 4 ही लोग हैं। तो कौन कौन है आपके घर में और क्या क्या काम जो है आपने बांटे हुए हैं घर परिवार को चलाने के लिए? जिसका जो मन आए वही काम कर लेता, बटा हुआ कोई काम नहीं है। जिसके दिखाई दे गया ये करना है, ये पड़ा सामने वो कर लेते हैं। तो अब समाज के लिए एक बहुत बड़ी एक आपको बता दें कि प्रेरणा स्रोत हो रहे हैं महिलाओं के लिए, खासतौर पर महिलाएं जो इस तरह से काम कर रही हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि घर में नहीं बैठो, काम करो कुछ ना कुछ। तो हमारे साथ कुछ और एक यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे। जी माता जी, क्या नाम है आपका? कुसुमा देवी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आगरा के। तो कितना मुश्किल है आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें यहाँ पे होती हैं? बहुत मुसीबत होती भाई, बच्चा पालने का है, किराया देना, खाना, पढ़ाई लिखाई, तो परेशानी तो। तो माता जी, आप सुबह कितने बजे उठते हैं और कितने बजे यहाँ पर अपना ठेला लगाने के लिए आते हैं? हम 4 बजे उठा तो पठानकोट से नहीं उठती अड़िया। ये सामान कहाँ से लाते हैं? पठानकोट से। पठानकोट से। तो उसके बाद यहाँ पर कितने बजे आकर जो है आप अपनी रेडी लगाते हैं? 9 बजे। तो इसके बाद कितने बजे आप घर पर जाएंगे ये रेडी करने? यही 9:30-10 बजे। तो अंदाजन कितना समय यहाँ पर आप लगा लेती हैं और घर परिवार का खर्चा पानी चल पड़ता है इससे? अब चलाना कपारत है उल्टा सीधा। तो क्या मुसीबत पड़ी कि आपको ये लगाना पड़ा, या कि मतलब मजबूरी में लगाना पड़ा कि अपना या घर परिवार के लिए? तो नहीं, मजबूरी है। मजबूरी में लगाना पड़ा। हाँ, मतलब यह है कि खर्चा पानी निकल आवत है। तो बाकी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो आपको देख रही हैं? का बता कुछ मैसेज अगर अपनी तरफ से देना चाहें? नहीं जानते, पढ़े लिखे हैं नहीं। तो ये हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जिन्होंने हमारे साथ बात की और कहा कि ये रेहड़ी चलाना जो है वो बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए, अपना खर्च करने के लिए, गुजारा करने के लिए ये हमें काम करना पड़ रहा है। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है ये अकेली महिला हैं जो कि जो पूरे दिन जो है ये भुट्टा जो है वो बेचकर अपना घर परिवार चला रही हैं, और ये पूरे समाज के लिए, महिलाओं के लिए जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत जो है ये बनकर साबित हो रही हैं। और भी महिलाओं के लिए एक मैसेज है कि घर परिवार में ना बैठें और जो सोसाइटी है उसकी फिक्र ना करें, लोगों का काम है कहना, आप जो है वो अपने घर परिवार चलाने के लिए जो है और काम करने के लिए कोई भी शर्माए ना, अपना काम जो है वो बाहर आके कर सकते हैं। तो ये सब इन महिलाओं ने कहा, और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो बाकी महिलाएँ हैं जो काम करने से कतराती हैं उनका जो है वो मनोबल मजबूत हो, वो भी काम कर पाएँ और खुलकर जो है वो समाज में इंडिपेंडेंट बनकर जो है वो अपने काम को जो है वो पूरा कर पाएँ। सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स, कठुआ।